गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। हमने एक टैग लगाया डीबी हैरी के नाम का, और इस टैग में हम लोगों ने लिखा सक्सेसफुली इंसर्टेड, हमने काफ़ी काम किया, और कोड वगैरह सारा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। तो अगर आप लोगों ने कोड वगैरह एक्सेस नहीं किया है, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया, उसको कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले कैसे किया जाए। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर, तब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, ठीक है। लेकिन क्या मैं इन सारे कॉन्टैक्ट्स को देख सकता हूँ कि मेरे डेटाबेस में कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं? क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है जो कि हमें करना ही होगा। अगर आप एक कॉन्टैक्ट ऐप बना रहे हैं तो आपको ये काम करना ही होगा। कोई आपके पास कोई भी इसका जो है ऑप्शन नहीं है दूसरा, आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट और फंक्शनैलिटी भी लाना होगा जैसे सर्च वगैरह। तो देखते हैं कि हम सारे कॉन्टैक्ट्स को किस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने माई डी बी हैंडलर डॉट जावा के अंदर आऊँगा, और जिस तरह मैंने यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन बनाया था, उसी तरह मैं सारे कॉन्टैक्ट्स को लाने का भी एक फंक्शन बना दूंगा। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक, और वॉइड तो नहीं होगा इस बार, क्योंकि मुझे एक लिस्ट यहाँ पर रिटर्न करनी होगी जिसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होंगे। और मैं इसका नाम लिखूँगा गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, और ये शिकायत कर रहा है कि लिस्ट जो है इम्पोर्ट नहीं की गई है। ऑल्ट एंटर दबा के लिस्ट को आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें। मैं यहाँ पर गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स लिखूँगा कुछ इस तरह से, और इस फंक्शन के अंदर आ जाऊँगा। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट होगा उस लिस्ट में, और उसका नाम लिख दूंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख दिया, मेरी सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम का एक लिस्ट बना ली है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूंगा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से न्यू एरे लिस्ट बना ली है, ऑल्ट एंटर मैं करूँगा, और मेरे सारे इंपोर्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक नए एरे लिस्ट बनाऊंगा, तो मुझे सिंटैक्स कुछ ऐसे देना होगा, वरना ये एरर देगा, मुझे शिकायत करेगा कि गलत आपने लिख दिया है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे मैंने ये अपना लेकर आया था राइटेबल डेटाबेस, इस बार मैं रीडेबल डेटाबेस लेकर आऊँगा। तो यहाँ राइटेबल डेटाबेस की जगह मैं लिख दूंगा गेट रीडेबल डेटाबेस, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि इस बार मैं डेटाबेस में से रीड करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा जनरेट द क्वेरी टू रीड फ्रॉम द डेटाबेस। आप यहाँ से जनरेट करें क्वेरी डेटाबेस से रीड करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग बनाएंगे ऑब्वियसली, और स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा सेलेक्ट, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट लिखने के बाद लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी क्वेरी है डेटाबेस की, ठीक है। आप में से कई लोगों को डेटाबेस शायद नहीं आता हो, लेकिन ये एकदम सिंपल है। ये क्या करेगा, आपके परम्स डॉट टेबल नेम, ठीक है, ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो मेरी टेबल नेम है वो, परम्स में क्या है मेरी टेबल नेम, मेरी टेबल नेम है कॉन्टैक्ट्स टेबल, तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को ले आएगा कॉन्टैक्ट टेबल में से, सिर्फ इतना करेगा ये। यहाँ पर एरर दिखाया जा रहा है मुझे, कहीं पर कहाँ दिखाया जा रहा है, ओके, मैंने रिटर्न नहीं किया है अभी, तो अभी हम रिटर्न करेंगे, तो आप बिल्कुल बने रहो मेरे साथ यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब आप में से कई लोग कहोगे कर्सर क्या है, बस आप अभी के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट बनाओ एक, और इसको हम कर देंगे डी बी डॉट रॉ क्वेरी और सेलेक्ट, यानी कि मैं एक रॉ क्वेरी रन करना चाहता हूँ, और मैं कौन सी क्वेरी रन करना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये परम्स वाली जो टेबल है मेरी, टेबल नेम जो मैंने दिया हुआ है परम्स के अंदर, वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लूप करूँगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, कह रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व मेथड डी बी डॉट रॉ क्वेरी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से नल भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ। जो हमारी रॉ क्वेरी है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेती है, एक तो लेती है वो स्ट्रिंग जो क्वेरी आप रन करना चाहते हैं, और दूसरी लेती है आर्ग्यूमेंट जिसको अभी के लिए आप नल कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो बिल्ट इन मेथड्स हैं ना, इनको ज़्यादा आप अंदर मत घुसना, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना मैं करा रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हो तब आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मूव टू फर्स्ट कर दूंगा कर्सर को, तो मूव टू फर्स्ट क्या करता है, कर्सर को स्टार्टिंग में ले आता है। कर्सर को कुछ आप ऐसा समझ लो कि एक बिंदु है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर अपना बोर्ड लेकर आऊँ यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊँ वाइट बोर्ड में अपनी टेबल को, तो मैं यहाँ पर टेबल में क्या करूँगा, जैसे बहुत सारे रोज लगा दूंगा, जो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3,
तो मान लो कुछ मैं ऐसे करके लेके आता हूँ अपनी टेबल को, यहाँ पर बनाता हूँ, और मान लो ये मेरी जो मेरे कॉलम्स हैं वो आ गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईडी बना दी, ठीक है, ये आईडी आ गई मेरी, और यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच देता हूँ, ये आईडी आ गई, ये मेरा नेम आ गया यहाँ पर, NAME, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर आ गया, ठीक है। और बिल्कुल भी मैं घटिया घटिया भी लिख रहा हूँ तो कर्सर मेरा कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लो 1 2 3 4 करके, तो मूव टू फर्स्ट मतलब मैंने अपने कर्सर को यहाँ ले आया, फिर अगला कर्सर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, मैं अपने कर्सर को बाद में यहाँ पर ला सकता हूँ, फिर उसके बाद मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, तो इस कर्सर को मैं मूव करा सकता हूँ थ्रू आउट द रोज, ठीक है। कुछ ऐसे करके कर्सर के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो। ये एक बार हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डू वाइल लूप चलाऊंगा। अब डू वाइल लूप मैं क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा वो एक बार तो कम से कम कंप्लीट हो ही हो। और मैं यहाँ पर करूंगा क्या, मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, और उसके बाद मैं एक नया कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लिखूंगा न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू कॉन्टैक्ट। और ये करने से मैंने क्या किया, एक ब्लैंक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट डॉट सेट नेम कर दूंगा, और यहाँ पर नेम सेट कर दूंगा कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि जहाँ पर भी मेरा कर्सर है उसकी स्ट्रिंग नंबर 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 कर दिया, इसको रिप्लिकेट करूँगा। सबसे पहले तो मुझे आईडी चाहिए, सेट आईडी करूँगा, फिर उसके बाद सेट नेम करूँगा, फिर उसके बाद सेट फोन नंबर करूँगा, तो 0 1 और 2। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, आपको कह रही भाई क्या लिखे जा रहे हो, बार बार कुछ बता रहे नहीं हो, क्या क्या चल रहा है ये। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर जो मेरी आईडी है वो मैं कहूँगा यहाँ से आ जाए, यहाँ पर जो भी है मेरे कर्सर का पहला वाला जो मेरा कॉलम है वो, यानी 0 से स्टार्ट होता है कॉलम नंबर 0, ये 1 ये 2, तो मैं कहूँगा जो कॉलम नंबर 0 में है मेरा वो आ जाए यहाँ पर आईडी में। अब आईडी एक इंटीजर है, आईडी एक इंटीजर है यहाँ पर, तो मुझे इंटीजर डॉट पार्स प्रिंट करना होगा इसको, यानी कि इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तब ये एरर दिखा रहा है। और ये एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, ये एरर दिखा देता है, कभी आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही दिखा देता है एरर। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने कहा जो नेम है उसको कर दो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट है उसको कर दो, सॉरी जो नेम है उसको कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1 कर दो, और जो फ़ोन नंबर है उसको कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 2 कर दो, यानी कि जो मेरा नेम है वो नंबर 1 पे जो है वो कर दो, और जो मेरा नंबर है वो नंबर 2 पे कर दो, और ये रोज़ है मेरी बहुत सारी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया कोई कर्सर का आपको कॉन्सेप्ट। और ऐसा तब तक करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कौन सी कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन, अरे ये वाली कंडीशन, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, क्योंकि हर बार मैं मूव टू नेक्स्ट कराऊंगा। और जैसे ही ये मूव टू नेक्स्ट मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि अब कुछ नहीं है मसाला इसके अंदर, अब बाहर जाने में ही भलाई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रीड करी, लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं करा अपनी लिस्ट के अंदर, तो मुझे उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड करना है। और उसका सिंटैक्स एकदम बच्चों वाला है, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट ऐड और कॉन्टैक्ट खत्म। आप क्या कर रहे हो, एक एक करके कॉन्टैक्ट कलेक्ट करते जा रहे हो और लिस्ट के अंदर डालते जा रहे हो, कलेक्ट करे जा रहे हो लिस्ट के अंदर डालते जा रहे हो। तो ये आपकी लिस्ट है, मान लो आपने ये तीनों कलेक्ट किए, इन तीनों को आपने इस लिस्ट के अंदर डाल दिया, फिर आपने ये तीनों कलेक्ट किए, फिर आपने क्या किया इसको लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब मुझे पता ही, मैंने बहुत घटिया सा बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में जब तक आ रहा है तब तक जो है काम जो है चल जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैंने यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया है, बस अब कुछ नहीं करना है, सीरियसली कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना बस कॉन्टैक्ट लिस्ट को, दैट शुड बी गुड इनफ, हो गया बस इतना ही। हाँ जी इतना ही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना ही है, सिर्फ ये फंक्शन गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स बस। अब यहाँ पर हमने ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स डाले, मैं लिख दूंगा यहाँ पर गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वही करूँगा, क्या करूँगा, वही करूँगा जो कि मैंने उस फंक्शन के अंदर जाके करा। उस फंक्शन के अंदर जाके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जाके मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं यहाँ पर लिस्ट बनाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे लिस्ट चाहिए कॉन्टैक्ट टाइप की, और उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और ऑल्ट एंटर कर देता हूँ ताकि ये शिकायत ना करे, और इज इक्वल टू DB डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। बस अब फॉर लूप चला देना है, मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट टाइप का मेरा एक कॉन्टैक्ट होने वाला है जो कि ऑल कॉन्टैक्ट्स में रहेगा। अगर आप लोगों ने जावा का फॉर लूप नहीं जानते तो समझ लो अभी, इस तरह से फॉर लूप लगाया जा सकता है, कॉन्टैक्ट के अंदर एक एक करके ऑल कॉन्टैक्ट्स के सारे वेरिएबल्स आएंगे। और मैं यहाँ पर लॉग डॉट डी कर दूंगा और टैग लगा दूंगा DB हैरी, और उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा, इस बार मैं ज़रा सही से लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, और नेम के बाद मैं लिख दूंगा
कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा प्लस, ठीक है, एक बैक स्लैश एन लगा दूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, और नीचे आ जाऊँगा मैं और वापस से मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, टैब दबाता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल वी करता हूँ और नेम के बाद फ़ोन नंबर, कंट्रोल डी करूँगा वापस से और यहाँ पर नेम फ़ोन नंबर, इनफैक्ट मुझे एक आईडी भी लिखनी चाहिए थी, तो मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ इस तरह पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आईडी लिख दूँगा और ये गेट आईडी हो जाएगा और यहाँ पर गेट फ़ोन नंबर और ये यहाँ से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा और यहाँ सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। आई थिंक हमारी स्ट्रिंग बिल्कुल सही है, क्या कहते हो? हाँ जी बिल्कुल सही दिख रही है मुझे तो, बाकी मुझे नहीं मालूम आप लोग की तरफ से एग्री है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मेरी तरफ से एग्री है, पूरा सब कुछ सही सही चल रहा है और यहाँ पर हमें सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाने चाहिए। लॉकेट खोलता हूँ, डिलीट करता हूँ सारे लॉक्स और अपनी ऐप को बिल्ड एंड रन करता हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने इस बार कोई गलती करी है, लेकिन अगर करी होगी तो उसको मैं सुधार लूँगा। आईडी, गेट आईडी, फ़ोन नंबर, गेट फ़ोन नंबर, नेम, गेट नेम, और नेम पहले लिखना था यार, फ़ोन नंबर बाद में लिखना चाहिए था, वरना मज़ा नहीं आएगा। और ये गलती नहीं है, ये थोड़ा सा सुधार है डिज़ाइन में बस, बाकी चलेगा। तो ये भी हमारा बस ये है कि पहले फ़ोन नंबर दिखा देगा और मैं देखना चाहता हूँ पहले नेम को, और यहाँ से इसको ऐसे हटा के यहाँ पर सेमी कोलन, वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। जैसे ही सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है मैं वापस आ। ऑलराइट गाइज, लॉन्चिंग एक्टिविटी और यहाँ पर देखो सारे के सारे लॉक्स पॉपुलेट हो चुके हैं। तो अगर ऊपर से आप लोग आओ यहाँ पर तो देखो नेम, फ़ोन नंबर और यहाँ पर आईडी भी जो है वो आ चुकी है, आईडी 1 आ गई है और उसके बाद यहाँ आईडी 2, आईडी 3, आईडी 4, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आकर दिख गई हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आईडी 34 तक है और जितनी बार मैं इसको रन करता जाऊँगा उतनी आईडीज बढ़ती जाएंगी। देखना अभी यहाँ पर 34 तक थी और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये जो मेरा कोड है ऐड करने का और कॉन्टैक्ट्स वो भी यहाँ पर रन हो जाएगा। तो देखने यहाँ पर 34 से भी ज़्यादा आईडी मिलने वाली है अभी हमको और मैं चाहूँगा ये सब चीज़ें आप खुद से करके देखें और एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जितनी बार मैं इसको रन करता चला जा रहा हूँ वहाँ पर देखो 37 तक आ गई। ये सारे कॉन्टैक्ट्स बार बार मैं ऐड करे जा रहा हूँ, जितनी बार ऑन क्रिएट रन हो रहा है मेरी ऐप का उतनी बार कॉन्टैक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा आप लोगों को कि खुद से आप प्रैक्टिस करें और यहाँ पर हमने अपने क्रूड के अंदर यहाँ पर हमने गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स जो सारे कॉन्टैक्ट्स से वो लेने का मेथड लिख लिया है, उसी के साथ साथ हमने एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करने का मेथड भी लिखा था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, ये हमने पूरा किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। कई लोगों का सवाल ये होगा कि ये हमने ऐप नहीं बनाई अभी तक। देखो एक बार बैकएंड लिख लिया ना सही से, ऐप बनाना चुटकियों का काम है, तो वो भी मैं बना के आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है उसको मैं स्किप करने वाला हूँ या मैं आपको देने वाला हूँ करने के लिए, सब बताऊंगा। और इस प्लेलिस्ट में जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने दी हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें जो है आपसे करवाई हैं, मैं करवाता हूँ उसके बाद सॉल्यूशन भी देता हूँ, सॉल्यूशन देके खुद करके दिखाता हूँ। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि कोई चीज़ मैं आपके मुँह पर छोड़ने वाला हूँ और उसके बाद जो है भूल जाने वाला हूँ, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। सो अभी के लिए गाइज, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस करके बुकमार्क कर लेना और सेव कर लेना, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।